फाइनली थोड़ी मारे। एंड हम लोग का जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 किलोमीटर और केदारनाथ के लिए। चलिए कैसा होता है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हो केदारनाथ ट्रैकिंग। यहाँ से कुछ लाठी वाठी ले लिया, लेने के बाद हम लोग स्टार्ट कर दिया ट्रैकिंग। जय भोले। और पूरा वीडियो देखते रहिए कैसे होते हम लोगों का ट्रैकिंग, अच्छा बुरा सब यहाँ पे दिखाई देगा इस वीडियो पे। गाइस इतना आदमी देख के एक अलग तरह का फीलिंग्स आ रहा है, क्या बोलूँ मैं। आप लोग को देखते रहिए। ओह माय गॉड। यहाँ पे क्या होता है, मेरा जूता का लेस खुल जाता है बार बार, तो मैं ढंग से लगा रहा था। और यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए मैं और मेरा भाई रुका हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, तो और कुछ खाना भी ना कर रहा था उसी टाइम का, कुछ सेल्फी ले लिया था। और यहाँ पे देखो ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो कि 10-15 मिनट में पहुँच जाता है 22 किलोमीटर। हम लोगों को केदारनाथ पहुंचने में, मंदिर पहुंचने में और 2 किलोमीटर बाकी, बहुत एक्साइटेड हूं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे सब टैंक लगता है इधर, मतलब हमें तो सोचा ही नहीं था कि मैंने केदारनाथ आऊँगा, तो सडन डिसीजन ले लिया। और हम लोग के साथ और 10 आदमी आया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब गाइस यहाँ का पानी इतना ठंडा है, नॉर्मल पानी जो यहाँ से लिया, जो यहाँ से वाटरफॉल्स आ रहे वहाँ से मैंने भरा, इतना ठंडा पानी है और इतना फ्रेश है मिनरल है। यहाँ हम लोग का वहाँ होने से तो बिल्कुल बिंदास चलता, कोई पानी खरीद के नहीं खाता, बहुत मस्त पानी। गाजा पे देखो सी केदारनाथ धाम 1.5 किलोमीटर। हाँ 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 फाइनली थैंक गॉड। जय बाबा केदार जी की जय। तो गाइस यहाँ पे एक बात बोले तो यहाँ पे मेडिकल बेस कैंप बैठता है, यहाँ पे फ्री में दवा देता है, आप कुछ भी दवाई लो फ्री में, कोई विदाउट एनी कॉस्ट, तो ये भी एक अच्छी बात है। Thank you.
देखे है रे भाई।